आज की ताजा खबरों की अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पहली खबर से। तो एप्पल को पहचानने का गूगल ने बना लिया है प्लान, अब एंड्रॉइड फोन्स में ही मिल जाएगा आपको आईफोन वाला फीचर। अगर आपका कोई दोस्त जो है आईफोन यूजर्स है और आप जो है एंड्रॉइड यूजर्स है तब आपको वो जो है वो चिढ़ा नहीं पाएगा। दरअसल गूगल धीरे धीरे जो है एंड्रॉइड स्मार्टफोन में कई तरह के शानदार फीचर जो है जोड़ रहा है जो बड़े काम के ऐप पर है। जल्दी एंड्रॉइड स्मार्टफोन के लिए गूगल बैटरी से जुड़ा एक फीचर जो है वो ला रहा है जिसका नाम जो है बैटरी हेल्थ है। वही ये हुबहू एप्पल आईफोन की तरह ही यहाँ पर काम करेगा। दरअसल बैटरी को लेकर अधिकतर लोग जो है परेशान रहते हैं क्योंकि आजकल ज्यादातर जो है काम उसी में होता है। ऐसे में यहाँ पर समय रहते पता नहीं चल पाता कि आपके फोन में कितनी बैटरी बची है जो चार्ज यहाँ पर कर ली जाए। वही आईफोन में बैटरी हेल्थ फीचर जो पहले से ही है इसलिए यूजर्स को बैटरी की हेल्थ टाइम टू टाइम जो है पता लगती रहती है। लेकिन एंड्रॉयड यूजर्स के साथ ये समस्या है कि वो बैटरी लाइफ और हेल्थ को लेकर जो है परेशान रहते हैं। ऐसे में गूगल ने इसका सोल्यूशन निकाल दिया है और एंड्रॉयड फीचर के लिए ये नया फीचर यहाँ पर जल्दी जो है एंड्रॉयड यूजर्स के लिए जहाँ पर ये जारी किया जाएगा। बता दें आपको गूगल फिलहाल इस नए फीचर के ऊपर काम कर रहा है। ये फीचर एप्पल फोन की तरह एंड्रॉयड फोन में बैटरी की हेल्थ की जानकारी देगा। एंड्रॉयड अथॉरिटी ने यहाँ पर एक रिपोर्ट जारी यहाँ पर कर बताया कि गूगल एंड्रॉयड 14 के साथ जो है बैटरी हेल्थ फीचर पर काम कर रहा है। एंड्रॉयड 14 में बैटरी स्टेटस जो है वो नजर आएगा जिसका अपडेट जो है जल्दी जो है वो जारी किया जाएगा। बात करते हैं अगली खबर की। तो मार्च 2025 तक मिलेगा सस्ता खाने का तेल, सरकार ने एक और साल बढ़ा दी है राहत। खाने वाले तेल की कीमतों में गिरावट लाने के लिए सरकार ने आयात शुल्क में कटौती यहाँ पर सरकार जो है वो करती है। आयात शुल्क में कटौती वाला सिस्टम अगले साल मार्च 2024 को खत्म होने वाला था लेकिन सरकार ने एक और राहत देते हुए से एक साल के लिए आगे बढ़ा दिया। दरअसल अब एडिबल जो ऑयल जो है खाने का तेल जो है उस पर घटी हुई इम्पोर्ट ड्यूटी जो है मार्च 2024 तक जारी रहेगी। पहले ये 2024 तक जा रही थी अब इसको 2025 कर दिया गया है। वह न्यूज एजेंसी रिटायर्स की रिपोर्ट के मुताबिक क्रूड पॉम ऑयल और क्रूड सनफ्लावर ऑयल और क्रूड सोया ऑयल को विदेश से मार्च 2024 तक सस्ते में मंगाया जा सकेगा। न्यूज एजेंसी एनआई की रिपोर्ट के मुताबिक रिफाइंड सोयाबीन ऑयल और रिफाइंड सनफ्लावर ऑयल की बेसिक इम्पोर्ट ड्यूटी को 17.5% से घटाकर 12.5% कर दिया गया है। वही इम्पोर्ट कटौती में यहाँ पर जो इंपोर्ट जो है उसकी कटौती से जो है सिर्फ कंपनियों को ही नहीं बल्कि आम लोगों को भी इससे बड़ी राहत मिलेगी। खाने वाले तेल पर जब इंपोर्ट ड्यूटी कम होता है यानी बाहर से मंगाना सस्ता होता है तो घरेलू स्तर पर इसकी खुदरा कीमतें जो है नीचे आने में मदद मिलती है। वही भारत वेजिटेबल ऑयल के आयात के मामले में दुनिया पे टॉप पर है जबकि इसकी खपत के मामले में जो है दूसरे नंबर पर है। देश की जरूरत का करीब 60% हिस्सा जो है दूसरे देशों से जो है आयात यहाँ पर किया जाता है। बात अब कहते हैं अगली खबर की। तो नए साल से पहले आम जनता को मिली है राहत, तो सस्ता हुआ है गैस सिलेंडर, अब इतना कम चुकाना होगा दाम। सरकार ने नए साल से पहले लोगों को खुशखबरी दी। दरअसल सरकार ने जो है 19 किलोग्राम वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमत में कटौती की है। अब 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत जो है 39 रुपए जो है कम हो गई है। वैसे पहले दिल्ली में कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत 1796.50 रुपए थी, वही मुंबई में जो 1749 थी, वही कोलकाता में जो 1908 रुपए, चेन्नई में 1968 रुपए थी। अब ये जो कीमत जो है 39 रुपए कम हो गई है। सरकार ने गृहिणियों को राहत नहीं दी है, मतलब सरकार ने 14 किलोग्राम वाले वजन वाले एलपीजी सिलेंडर के रेट कम नहीं किए हैं, सिर्फ 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में ही ये 39 रुपए की कटौती की गई है। वह 19 किलो वाला कमर्शियल सिलेंडर अब दिल्ली में 1757 और कोलकाता में जो है 1876 और मुंबई में 1710 और चेन्नई में 1929 रुपए में मिलेगा। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने यह छूट क्रिसमस के त्योहार और नए साल के जश्न से पहले दी है। वही आप अब इंडियन की आधिकारिक वेबसाइट जो है इंडियन जो गैस है उसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर शहर का रेट जो है आप देख सकते हैं। इससे पहले जो है 19 किलोग्राम वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमत 1 दिसंबर में उसमें बदलाव किया गया था। हालांकि 16 दिसंबर को कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 57 रुपए की छूट जो है वो दी गई थी। वही पिछले कुछ समय से कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में लगभग हर महीने कीमत जो है ऊंची नीचे यहाँ पर रही है। घरेलू एलपीजी सिलेंडर की बात करें तो अगस्त के बाद इनके रेट में कोई बदलाव नहीं हुआ है। आखिरी बार 30 अगस्त 2023 को घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत 200 रुपए कम की गई थी। वह इंडियन ऑयल की वेबसाइट के मुताबिक दिल्ली में घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत 903 रुपए, कोलकाता में 929 रुपए और मुंबई में 902 रुपए और 50 पैसे है। बात अब कहते हैं अगली खबर की। तो क्रिसमस से पहले कर्मचारियों को सरकार ने दिया है तोहफा, महंगाई भत्ते में 4% की दी है बढ़ोतरी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को राज्य सरकार के कर्मचारियों को नए साल का और क्रिसमस का गिफ्ट दे दिया। दरअसल मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि उनकी सरकार नए साल के दिन से अपने सभी कर्मचारियों को महंगाई भत्ते में
जो है महंगाई भत्ते जो है उसमें यहाँ पर बढ़ोतरी जो है 4% की जो बढ़ोतरी जो है वो देगी। वही बैनर्जी ने शहर के पार्क स्ट्रीट इलाके में एलन पार्क में जो है कोलकाता क्रिसमस कार्निवल 2023 के उद्घाटन के अवसर पर ये घोषणा जो है उन्होंने की है। वही पश्चिम बंगाल की सीएम जो है ममता बनर्जी, उन्होंने कहा है कि मैं घोषणा करती हूँ कि सभी 14 लाख राज्य सरकार के कर्मचारी, सभी स्कूल कॉलेजों और विश्वविद्यालयों और सेक्शनरी और गैर सेक्शनरी कर्मचारियों, सभी वैधानिक उपक्रमों और पेस्टिस जो पेंशन भोगी जो है उनकी उनको यहाँ पर 1 जनवरी 2024 से 4% डीए का एक और जो है किस्त जो है वो मिलेगी। वही ममता बनर्जी ने बताया कि डीए का प्रावधान केंद्र सरकार के लिए अनिवार्य है जबकि ये राज्य के लिए वैकल्पिक है। उन्होंने कहा है कि डीए की बढ़ोतरी के लिए उनकी सरकार को 2400 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च जो है वो आएगा।